दोस्तों आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो धानी एंटरप्राइजेस में कैश ऑन डिलीवरी सर्विस था, बिलो 50,000 प्रोडक्ट्स में कैश ऑन डिलीवरी सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे, वो सर्विस आज से हम लोग बंद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बंद कर रहे हैं मतलब परमानेंटली बंद नहीं कर रहे हैं, ये हो सकता है कुछ हफ्ते के लिए या कुछ महीने के लिए या परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन हम अभी इसे क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक में जो न्यूज़ है, धानी एंटरप्राइजेस हमारा जो भी मैनेजमेंट है, टोटल मैनेजमेंट का मीटिंग के बाद हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि हमारा कटक ब्रांच में और पूना ब्रांच में, दोनों ब्रांच का सारे एम्प्लॉइज़ के साथ बात करने के बाद हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि हम लोग जो कैश ऑन डिलीवरी सर्विस है उसको अभी के लिए फ़िलहाल बंद कर रहे हैं। क्यों? उसके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी सालों से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी सालों से आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको भी मालूम है हम लोग स्कैम अलर्ट बहुत सारा देते हैं। बहुत सारा हमारा जो पुराने व्यूअर्स है या पुराने कस्टमर्स है, जो मेसो का करीब 2 साल पहले मैं एक मेसो का वीडियो छोड़ा था, मेसो में कैसे स्कैम होता है, तब से लेकर आज तक काफ़ी सारा मैं स्कैम अलर्ट लोगों को दिया हूं, और हमारे वजह से कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा सा, हम लोग यकीन रखते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों का हेल्प होता है, थोड़ा सा स्कैम से वो बच रहे थे। लेकिन अभी हम सेलर्स के साथ ही स्कैम होने लगा। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम नहीं, काफ़ी बार हो चुका है, लेकिन अभी लिमिट क्रॉस हो गया, उसलिए हम लोग ये सर्विस बंद कर रहे हैं। इसका टोटल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूं कि ये सर्विस मतलब टेम्परेरीली अभी तो बंद है। इसका हुआ कुछ यूं कि पहले से भी सेम स्टोरी रिपीट हुआ है हमारे साथ, सेम इंसिडेंट रिपीट हुआ है, अभी भी सेम इंसिडेंट हुआ है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट में दिखा दे रहा हूं, एक कस्टमर को हमने डिलीवर किया था मिनी टू एसी, डीजे मिनी टू एसी स्टैंडर्ड मॉडल, करीब 27 तारीख मतलब 27 मई को हम लोग डिलीवर किए थे। आज तक प्रोसेस चल रहा है, देखिए 25 जून हो गया, आज तक प्रोसेस चल रहा है वो प्रोडक्ट का। हुआ कुछ ही हो दोस्तों, मैं बता दूँ, वो कस्टमर ने उन्होंने ही स्कैम किए। क्या किए कि उन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए, जैसे कि हमारा रहता है रूल्स, 1,000 रुपये आपको एडवांस पेमेंट करना रहता है और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट वो अमाउंट कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है। तो दोस्तों वो कस्टमर ने बुकिंग किए, हमारे वेबसाइट में बुक किए, 1,000 पे किए, तो उसके बाद हमने हमारे जो सी प्रॉकेट डिलीवरी पार्टनर है उधर से हमने बुक कर दिया और ई कॉम एक्सप्रेस के थ्रू हमने वो पार्सल बुक किए। ई कॉम में जब बुक किए, वो उनका इमीडिएटली कॉल आया कि उनके पास मैसेज जाता है ई कॉम की तरफ से, सॉरी सी प्रॉकेट तरफ से मैसेज जाता है कि आपका ई कॉम से बुक हुआ है। जब उनके पास मैसेज गया, इमीडिएटली मुझे कॉल किए और बोले कि आपने ई कॉम के थ्रू बुक किए हैं, मैंने बोला था डिलीवरी के थ्रू बुक करने के लिए। हमने बोला कि ई कॉम भी काफ़ी सेफेस्ट ये रहता है, डिलीवरी सर्विस रहता है, साथ ही आपका कैश ऑन डिलीवरी है तो इसमें जो सी ओ डी चार्जेस रहता है डिलीवरी डॉट कॉम में थोड़ा ज़्यादा सी ओ डी चार्जेस रहता है, करीब पिन कोड के हिसाब से इंडिया में करीब जो डिलीवरी डॉट कॉम का रहता है 2,200 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक उसका सी ओ डी चार्जेस रहता है, तो उनका जो एरिया था 2,800 रुपये हमें सी ओ डी चार्जेस सिर्फ लग रहा था, जिधर हमें ई कॉम एक्सप्रेस में सिर्फ 1,700 रुपये लग रहा था। तो हमने क्या किया, ई कॉम के थ्रू किया और काफ़ी सारा हमारा पार्सल जाता है ई कॉम के थ्रू और सेफली वो डिलीवर होता है, कुछ भी आज तक कुछ करीब 7 साल हो गया कुछ भी कंप्लेंट नहीं आया है। तो उनका कंप्लेंट आया कि हमें ई कॉम पे नहीं चाहिए, अगर आप ई कॉम में कर रहे तो हम ये ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, आपको डिलीवरी पे करवाना है तो कीजिए। मैं बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग डिलीवरी में कर लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्जेस है आपको पे करना पड़ेगा डिलीवरी का। वो बोला कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस रहे मैं पे कर दूंगा, लेकिन आपको डिलीवरी में ही करना है। तो हमने डिलीवरी में कर दिया, उनको डिलीवर भी कर दिया। डिलीवरी के बाद करीब, ये देखिए डेट मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं 3 जून को पेंडिंग बता रहे, डिलीवरी रिशेड्यूल्ड बाय कस्टमर ने रिशेड्यूल किया 3 तारीख को, फिर 4 तारीख को फिर से, सॉरी 5 तारीख को फिर से री अटेम्प्ट हुआ, मतलब जो क्लाइंट थे, जो कस्टमर थे, फिर से री अटेम्प्ट उनके पास हुआ, उसके बाद डिस्पैच हुआ, आउट ऑफ डिलीवरी गया, देखिए पेंडिंग कंसर्न रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ऑर्डर, कैंसिल करने के लिए बोले, वो क्या किए, ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं किए, मतलब कैंसिल कर दिया, वो बोले कि मुझे नहीं चाहिए बोले। तो दोस्तों ये क्या हुआ, आरटीओ हो गया, आरटीओ मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब रिटर्न हमारे पास रिटर्न टू वेंडर आ जाता है, जब आप कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर तो हमारे पास रिटर्न आ जाता है। इसमें क्या होता है, तो डिलीवरी चार्जेस जो है 2,700 रुपये वो तो गया हमारा,
ठीक है, वो गया कोई बात नहीं, प्रोडक्ट इतना दूर, इतना इलेक्ट्रॉनिक्स इतना कॉस्टली प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज इतना दूर जाकर रिटर्न आता है, इतना जार्किंग होता है, तो वो एक रिस्क है, उसका भी हुआ कुछ बात नहीं। लेकिन जब ये रिटर्न आया, हमारा जो पूना ब्रांच है डिलीवरी ऑफिस मैन, बहुत काफ़ी बड़ा इधर कंपनी है डिलीवरी डॉट कॉम का, इधर जब आया हमें कॉल आ गया। देखिए आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ, 12 तारीख को आप देख सकते हैं, पेंडिंग कंटेंट मिसमैच एट एक्सरे। इसका मतलब दोस्तों आपको मालूम है, जो प्रोडक्ट गया था उनके पास स्कैन होकर डिलीवरी से, वो प्रोडक्ट आया जब वो प्रोडक्ट नहीं था उसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, गेम कुछ ऐसा हुआ, जो डिलीवरी वाले वो इमीडिएटली हमें कॉल किए कि आपका जो एक्सरे में पता चला कि इसके अंदर ड्रोन्स कैमरा था, जाने के टाइम पर ये एक्सरे हुआ है। मैं बोला हाँ, ये इसके अंदर डीजे का ड्रोन्स कैमरा था, क्या प्रॉब्लम हुआ? वो बोला कि इसके अंदर कंटेंट मिसमैच है। कंटेंट मिसमैच मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है? बोला, तो बोले कि इसके अंदर स्टोन है। स्टोन मतलब आप समझ सकते हैं, पत्थर है। मतलब जब गया उस टाइम पर ड्रोन्स था, एक्सरे में पूरा पता चला ड्रोन्स है, जब रिटर्न आया उस टाइम पर उसके अंदर पत्थर है। तो ये मैं बोला, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो लेकिन नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आपका तो जाने के टाइम पर स्कैन हुआ था ड्रोन्स ही था, आने के टाइम पर पत्थर है, तो इसमें आपका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं बोला हाँ, मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसमें इंश्योरेंस भी ऐड होता है। हमारा ध्यान रखिए, जो भी कैश ऑन डिलीवरी होता है उसमें हमारा इंश्योरेंस ऐड होता है, यही सब इंसिडेंट के लिए। आज तक 7 साल हो गया, एक भी इंसिडेंट हुआ नहीं था। ये रिसेंटली 1 महीने पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और अभी एक इंसिडेंट हो गया। जाता है ड्रोन, आता है पत्थर, रिटर्न प्रॉब्लम क्या होता है? तब काफ़ी, देखिए 12 तारीख के बाद काफ़ी सारा एनालिसिस किए, 10 दिन के बाद फिर से डिलीवरी ऑफिस से फिर से वो रिटर्न किए, किधर? कानपुर, मतलब उत्तर प्रदेश कानपुर ब्रांच को, जिधर से वो कस्टमर ऑर्डर किए थे। हुआ कुछ यूँ, मैं उनको पूछा क्या हो गया, फिर उनका कंटिन्यूसली फॉलोअप ले रहा हूँ। ओब्वियसली मेरा इतना कॉस्टली प्रोडक्ट है, 48,000 कौन छोड़ेगा, तो इतना कॉस्टली प्रोडक्ट है तो हम लोग कंटिन्यूसली फॉलोअप ले रहे हैं। और उनका बोलना ये था, आपने जो कस्टमर को ये दिया था, वो कस्टमर और डिलीवरी बॉय, मतलब जब कानपुर का डिलीवरी ऑफिस से आउट ऑफ डिलीवरी हुआ, उस टाइम पर स्कैन होकर गया, उस टाइम पर भी ड्रोन था, जब डिलीवरी आउट ऑफ डिलीवरी गया, कस्टमर के पास जाकर आया, उस टाइम पर पत्थर था उसके अंदर। तो आप समझ रहे हैं उसके अंदर क्या हुआ, डिलीवरी बॉय और वो जो कस्टमर, वो दोनों मिलकर ये घोटाला किए हैं। मतलब बॉक्स को ओपन करके ड्रोन्स को निकाल दिए, उसके अंदर पत्थर डाल के फिर से रीसील कर दिए। वो बेवकूफों को इतना मालूम नहीं कि ये सब स्कैन होता है, जब उनका बीच में जो भी मिडिल ब्रांच है उधर स्कैन होता है कि नहीं मालूम नहीं। इसलिए पूना का काफ़ी बड़ा डिलीवरी का ऑफिस है, इधर से स्कैन होता है, कौन सा प्रोडक्ट गया कौन सा आया उनको सब कुछ मालूम है, सारे कंप्यूटराइज उनके पास स्टोर रहता है, इसलिए तो डिलीवरी कॉस्टली है दोस्तों। और हमारा किस्मत अच्छा है कि हम लोग डिलीवरी के थ्रू भेजे, दूसरा जो कंपनी है उनके पास इतना एक्सरे मशीन है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन सेफेस्ट है वो सारे। लेकिन वो कस्टमर का अभी हमें पता चला वो क्यों डिलीवरी बोल रहा था, क्योंकि वो delivery.com का कंपनी का जो डिलीवरी बॉय है उसका गांव में वो उसके साथ मिला हुआ है, दूसरा कंपनी के साथ नहीं होता, वो ऐसा स्कैम नहीं कर पाता, वो बंदा उसके साथ मिला हुआ है और उसी ने ही उसके साथ मिलकर ये सब घोटाला किया है। तो ये फिर से आया हमारा पूना ब्रांच को 12 तारीख को, फिर से 22 तारीख को ये सब प्रोसेस चला। उनका जब प्रोडक्ट मिसमैच रहता है, जाने के टाइम पर जो प्रोडक्ट रहता है, आने के टाइम पर वो प्रोडक्ट नहीं रहता है, उस टाइम पर क्या होता है, अंडर सिक्योरिटी में उनका चला जाता है और ये सब एनालिसिस होता है। उसके बाद क्या होता है, वो लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमारा 48,000 तो हमें चाहिए ही चाहिए, हम लोग ये बता दिए, हमने मेल भी कर दिया क्योंकि हमारा इंश्योरेंस भी ऐड है। आप देख लो कैसा है, अगर डिलीवरी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब लेकर कस्टमर्स को डिलीवर करके उनका पैसा लाने के लिए, तो वो करके देना चाहिए। अगर कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो मेरा प्रोडक्ट मेरा मुझे सही सलामत दे दो, उसमें हमारा क्या गलती है? तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सब जो कैश ऑन डिलीवरी सर्विस रहता है ना, ये बहुत झंझट वाली बात रहता है, बहुत टेंशन वाली। आप सोचिए, अभी दूसरा कोई कोरियर पार्टनर रहता, अगर स्कैन नहीं होता, इतना एक्सरे सिस्टम नहीं रहता उसके कंपनी में, तो वो डायरेक्टली क्या करता, कस्टमर रिटर्न कर दिया, लाकर मुझे दे देता। जब मैं इधर ओपन करके देखता, मेरे को स्टोन मिलता, मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाता। 48,000 में अगर मेरे को पत्थर मिले तो मेरे को किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा दोस्तों, हमारा भी मेहनत का पैसा है ये। तो भगवान के दया से ये सब हो गया कि डिलीवरी से ये सब पकड़ा गया। तो अभी भी प्रोसेस में चालू है करीब, लेकिन 1 महीना हो गया अभी तक प्रोसेस चालू है। हमारा जो अमाउंट अभी तक हमें मिला नहीं, कब मिलेगा भगवान जाने, लेकिन मिलेगा जरूर, हमारा इंश्योरेंस ऐड हुआ है तो मिलेगा जरूर। और हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं है, वो डिलीवरी का काम है, वो लोग कैसे, क्योंकि उनका ही स्टाफ
जो भी ब्रांच का रहे उनका ही स्टाफ मिला हुआ था, उनका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब रिटर्न आया उधर ही स्कैन हो जाना चाहिए था, वो लोग क्यों पूना में भेजे, इधर ही क्यों पकड़ा गया, उधर क्यों नहीं पकड़ा गया, उनका गलती है। तो वो लोग जाने सब, तो हमारा जाने दीजिए ये सब, हमें वो झंझट में नहीं पड़ना है। इसलिए आज से कभी भी हम लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं करने वाले हैं। हम लोग अगर कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं तो कस्टमर ऐसा धोखेबाजी कर रहे हैं तो इसका मतलब भगवान भी माफ नहीं करेंगे वो कस्टमर्स को, इतना ध्यान रखिए। और माफ कीजिए, मैं कोई भी पर्टिकुलर एरिया नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर ये हो भी गया, हमारा कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट भी हो गया, फिर भी हम जो उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है हम लोग उसको ये करेंगे, एक उत्तर प्रदेश का एक कोलकाता का कुछ एरियाज है जिसको हमारा लिस्ट से हम लोग डिलीट करेंगे, वो एरिया को परमानेंटली हम लोग कैश ऑन डिलीवरी सर्विस कोई भी प्रोडक्ट नहीं देने वाले हैं। अगर प्रीपेड में कुछ भी प्रोडक्ट करना है तो 7 साल से हम लोग इधर ही बैठे हैं, धानी एंटरप्राइजेस इधर ही है, हमारे ऊपर पूरा इंडिया ट्रस्ट करता है, तो आपको ट्रस्ट है तो हमसे ऑर्डर कीजिए, ट्रस्ट नहीं है तो डायरेक्टली ऑफलाइन आ जाइए परचेस करके लीजिए। हम लोग किसी को भी फोर्स नहीं करते कि आप कैश ऑन डिलीवरी कीजिए या प्रीपेड कीजिए, हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं आइए चेक करके आपका प्रोडक्ट लेकर जाइए। हमारा प्रोडक्ट के ऊपर हमें 100% गारंटी है, हमारा सर्विस के ऊपर हमें 100% गारंटी है। तो रही बात आपका, आप कितना हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो लेकिन कैश ऑन डिलीवरी सर्विस आज से हम लोग बंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन कब स्टार्ट करेंगे वो बोल नहीं सकते। अगर आपको चाहिए तो कोलकाता के लिए हमारा ओडिशा ब्रांच हमने ओपन कर दिया, उधर से पास है, आप डायरेक्टली ऑफलाइन जाकर परचेस कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए पुणे आकर परचेस कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सर्विस बंद कर रहे हैं उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, हम लोग आभाटा 2 का एक अनबॉक्स करके पूरा सेटअप करके आपको दिखाने वाले हैं, कैसे सेटअप रहता है, न्यू मॉडल है इसलिए कैसे सेटअप रहता है उसके बारे में डिटेल्स बताने वाले हैं। वो वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय जगन्नाथ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।